बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 25 एमसीक्यूज क्विकली रिवाइज करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रांगली सेड दैट मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल? तो आप सबको इसका आंसर आई होप सो पता है, अरिस्टोटल। ट्रेडिशनल अप्रोच गिव्स स्ट्रेस ऑन, ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे ज़्यादा फोकस करती है? वैल्यूज़ पे। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस सिग्नल्ड, ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म को की तरफ इशारा करती है। ये जो टर्म है क्रीडो ऑफ रेलिवेंस पोस्ट बिहेवियरलिज्म, दी इंटेलेक्चुअल गॉड फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। बिहेवियरलिज्म का इंटेलेक्चुअल गॉड फादर किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं चार्ल्स ई मैरियम, डेविड ईस्टन, लॉजवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डेविड ईस्टन। इसके कुछ और आंसर्स भी आपको मिलेंगे, लेकिन इसको जब आप केयरफुली रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहेवियरिज्म और बिहेवियरलिज्म ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो इंटेलेक्चुअल गॉडफादर ऑफ बिहेवियरलिज्म के बारे में है। सो इसका करेक्ट आंसर है डेविड ईस्टन। हॉब्स थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज़ एक्सप्लेन्ड इन हिज बुक, किस किताब में हॉब्स ने अपनी थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट किया था? लिवाइथन के अंदर। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट वॉज रिटन बाय, तो ये जॉन लॉक की किताब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रेलिवेंट टू ट्रेडिशनल अप्रोच, फिलोसॉफिकल भी है, हिस्टोरिकल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है, लेकिन बिहेवियरल नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बिहेवियरल। इंटीग्रेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेज इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, तो ये किसका बेसिक प्रिंसिपल है? ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल है। द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन, डेमोक्रेसी की सक्सेस किस चीज़ पे मुनहसर है, किस चीज़ पे इसका दारोमदार है? पीरियोडिक इलेक्शंस, यानी जो ड्यू टेन्योर है 4 या 5 साल का, उसके बाद इलेक्शंस होना, वोटिंग, कंपेनिंग इन द इलेक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इलेक्शंस भी होंगे, लोग इसमें वोट भी करेंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन में कंपेन करने के लिए फ्री हैं। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ अ परमानेंट फीचर ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? आपको पता है दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, एक डायरेक्ट गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर होती हैं, और एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स होती हैं जो कि इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के अंदर होती हैं, जिनमें पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव के जरिए से रूल करती है। तो कौन सा परमानेंट फीचर है? वोटिंग, डिसीशन मेकिंग, मिलिट्री फोर्स, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं, वोटिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। A right is a claim recognized by society and enforced by the state. Who said this? ये definition किसने दी थी? ये definition दी थी बोजैन क्विट ने। याद रखना है कि right की definition दी जा रही है। आप कहते हैं ये मेरा हक है, ये चीज़ मेरा हक है, ये मेरा हक है, तो हक या right की definition क्या है? कि ये एक ऐसा claim है जिसको society ने recognize किया हो और state ने आपके उस claim को enforce किया हो। तो ये डेफिनेशन राइट की बोजैन क्विट ने दी थी। नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 12, हु डिस्क्राइब्ड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर? तो ये जो डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, ये जॉन सीले ने दी थी। जॉन सीले, क्या है डेफिनेशन? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। हु सेड राइट्स आर दोज कंडीशंस ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन बी हिज बेस्ट सेल्फ? यानी राइट्स वो शरायत हैं, ऐसे हालात पर ऐसी कंडीशंस हैं सोशल लाइफ के अंदर, सोशल लाइफ की, जिनके बगैर कोई भी शख्स जो उसकी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर सकता। तो राइट्स की ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हैरोल्ड लास्की। हैरोल्ड लास्की ने ये डेफिनेशन दी थी। हु रोट द बुक अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स? ये जो किताब है ये भी हैरोल्ड लॉस्की की किताब है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीक जस्टिस वाज, तो ग्रीक जो जो कॉन्सेप्ट था जस्टिस का इन एंशंट ग्रीस, वो लीगल था, मॉरल था, सोशल था या पॉलिटिकल था? तो वो मॉरल था। द ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी ट्रेस्ड बैक टू एंशंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। Who among the following said liberty is the opposite of over government? तो इसका करेक्ट आंसर भी हैरोल्ड लॉस्की है। Liberty is the opposite of over government. What is meant by social justice? सिर्फ जस्टिस के बारे में या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में नहीं पूछा गया, सोशल जस्टिस के बारे में पूछा गया है।
तो इसका जवाब क्या होगा, ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट कलर क्रीड एंड सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड। अगर आप ए की बात करते हैं तो इसमें पॉलिटिकल जस्टिस की बात हो रही है, अगर आप बी ऑप्शन की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक जस्टिस की बात हो रही है, और अगर आप डी ऑप्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर कल्चरल या फिर आप कहेंगे रिलीजियस जस्टिस की बात हो रही है। सोशल जस्टिस के अंदर अगरचे रिलीजन भी आता है, लेकिन चूंकि ये बिल्कुल करीब करीब के ऑप्शंस हैं तो आपने जो ज़्यादा आपको परफेक्ट ऑप्शन लग रहा है उसको क्लिक करना है, और वो सी है। ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़ वन इन विच, कैसी सोसाइटी को हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी कह सकते हैं, जिसमें गवर्नमेंट पॉपुलरली इलेक्ट हो, लिबर्टी को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाए, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की जो फीलिंग्स हैं वो वहाँ पर प्रिवेल करें, जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। हु रोट द बुक्स, द बुक पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स किसने लिखी, अरिस्टोटल ने लिखी। बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस इज़ एन अटेम्प्ट टू मेक द एम्पिरिकल कॉन्टेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मोर साइंटिफिक। ये डेफिनेशन बिहेवियरल अप्रोच के बारे में किसने दी, तो ये रॉबर्ट डॉल ने दी। चार्ल्स ई मैरियम भी आपको शायद कई जगहों पर इसका आंसर मिलेगा, लेकिन चार्ल्स ई मैरियम या डेविड ईस्टन इसका करेक्ट आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर रॉबर्ट डॉल है, ये अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसफर है। नेक्स्ट है, एट प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियरल अप्रोच ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज जनरली नोन एज। बिहेवियरल अप्रोच के जो आठ असूल हैं, जो एट प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें आमतौर पर क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है इंटेलेक्चुअल फाउंडेशंस। हु रोट द बुक ऑन लिबर्टी, 23 पे एमसीक्यू है कि ये किताब किसने लिखी, तो ये किताब किसने लिखी आप बताएंगे। ऑन लिबर्टी बहुत ही फेमस बुक है, इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अ थ्योरी ऑफ जस्टिस इज़ द वर्क ऑफ जॉन रॉल्स, ये जॉन रॉल्स की किताब है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। द टर्म ग्लोबलाइजेशन वॉज क्वाइंड बाय, ये जो टर्म है ग्लोबलाइजेशन, इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया, तो इसका आंसर है थियोडोर लेविट। थियोडोर लेविट ने टर्म ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करवाया। 25 एमसीक्यूज हमने रिवाइज किए हैं, नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज भी मैं अपलोड करती हूँ, मीनवाइल आप इन एमसीक्यूज को सुन लीजिए। ये जो आप लोगों के साथ ऑडियोज़ या वीडियोज़ शेयर किए जाते हैं, इसका सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ड्राइविंग करते हुए हैंड्स फ्री लगा के ये एमसीक्यूज सुनते रहें, रिवाइज करते रहें, आप घर के काम करते हुए इनको सुन सकते हैं, आपको एक पर्टिकुलर जगह पर बैठ के एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट क्रिएट करके स्टडीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि आप अपने बाकी जितने भी आपके काम हैं उनको करते हुए साथ साथ आप इनको सुन सकते हैं, इनको रिवाइज़ कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।